ये जो आप हाथ देख रहे हैं ये मेरे बेटे का है, 1 साल का बेटा है, और उसने गर्म खिचड़ी में अपना हाथ डाल लिया था कुछ दिन पहले। फिर मैंने डॉक्टर रजनी लाल जी से, जो कि उनसे परिचय है हमारा, उनको इसका फ़ोटो हम लोगों ने भेजा, तो उन्होंने ये जो दवाई थी उन्होंने प्रिस्क्राइब की। और ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़े और आपके पास अगल बगल कोई डॉक्टर मौजूद ना हो, तो आप जल्दी से अपने छोटे से बच्चे का इलाज के तौर पर कुछ मेडिसिन ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। तो उन्होंने निम्न प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन दिए मुझे व्हाट्सएप पर। उन्होंने मुझे एजिनी या एजीवॉक या एजीफास सिरप था, वो 1 टीस्पून डेली मॉर्निंग में 1 फाइल लेने को कहा था, और इसे आफ्टर गैप 4 डेज में दूसरा फिल लेने के लिए कहा था। और दूसरा उन्होंने ल्यूबिसलिन जूनियर या सूमो सस्पेंशन, वो भी 1 फाइल 1 टीस्पून 2 to 3 टाइम डेली लेने को कहा था, जिससे कि ये दोनों जो है मुझे मेरे बच्चे को बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगे और घाव को अंदर से पकने नहीं देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक फ्यूज़ और फ्यूडिक क्रीम जो 3 नंबर पर है, उसे आपको दिन में 2 बार अप्लाई करना है उसके जो घाव है उसके ऊपर में। फिर उन्होंने कहा कि सुबह के वक्त आप क्या कीजिएगा, जो स्टराइल निडल है नया खरीदा हुआ, मतलब यूज़ किया हुआ नहीं, उससे वो जो फोके हो गए उनको फोड़ दीजिएगा। तो हम लोगों ने मिल करके उसे फोड़ दिया नया निडल से, और अंदर से सारा पानी निकल गया। उसके बाद डर्मा ड्यू बैक्टीरियल शॉप से उन्होंने बोला था कि उसे डेली बात कराना है, हैंड वॉश करवाना है, जो कि 5 नंबर प्रिस्क्रिप्शन है, और इसे रिपीट करना है 3, 5 और 7 दिन पर। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉलो किया और हमारे बेबी का हाथ बिल्कुल भी ठीक है। मैं थैंक यू कहूँगा डॉक्टर साहब को।